अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज एक रिव्यू होगा सीड्स का। एक ऑनलाइन स्टोर है, गार्डनिंग स्टोर है, वहाँ से सीड्स मैंने ख़रीदे थे अपने लिए, वेजिटेबल्स के लिए। तो जैसे कि कराची में विंटर्स बस एंड पीरियड पर हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो फेब के एंड तक वेदर चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग आएगा, समर आएगा, तो इस तरीके से सिलसिला चलते रहेगा। तो समर सीज़न के कुछ वेजिटेबल्स की मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगवाए हैं, और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ सीखने के लिए और थोड़ा बहुत शौक पूरा करने के लिए। तो उसका एक रिव्यू है सबसे, तो देख लेते हैं कि क्या क्या मुझे मिला है, और साथ साथ मैं प्राइसेस भी बताते जाऊँगा आपको, और कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस तरीके से मेरे पास ये एक एनवलप आया है जिसको मैं अभी खोलूँगा, और ये है महफूज सीड्स स्टोर, जो कि इस्लामाबाद में स्टोर है, और अता भाई बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको वेजिटेबल्स की अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने हैं तो आप इस स्टोर से लें। ऑनलाइन है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं तो वो आपको डिलीवर कर देंगे, और वैसे तो इनके स्टोर इस्लामाबाद में है, खुद जाके भी ले सकते हैं। तो चलें आज इसको देखते हैं कि मुझे कौन कौन से इसमें से सीड्स मिले हैं। इससे पहले भी इस स्टोर से सीड्स मंगवा चुका हूँ, तो उसका भी मैंने रिव्यू दिया था। तो ये है समर सीज़न के जो वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, साथ साथ बिल भी इसके साथ अटैच है, तो बिल भी देख लेते हैं कि सबसे पहले बिल में ये सारे सीड्स लिखे हैं जो मैंने मंगवाए हैं, एक एक पैकेट डिस्क्रिप्शन है। टोटल मेरा 500 रुपये के सीड्स हैं, जिसमें से 5 किस्म के वेजिटेबल्स के सीड्स हैं, 100 रुपीज़ ईच, और 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस के हैं। पाकिस्तान पोस्ट से मुझे मिला है। तो सबसे पहले सीड्स देख लेते हैं और क्वान्टिटी। सबसे पहले मेरे पास आए हैं हाइब्रिड सीड्स मंगवाए हैं मैंने, F1 वैरायटी। ये है करेले के सीड्स, करेले के सीड्स इस तरीके के होते हैं, ये देखें F1 वैरायटी है, और इसमें अराउंड मुझे 20 सीड्स लग रहे हैं, ये 15 सीड्स हैं, ठीक है तकरीबन। तो ये मुझे मिले 100 रुपीज़ का एक पैकेट है, जैसे मैंने बताया है आपको कि ये मुझे मैंने सीड्स मंगवाए हैं। और ब्रिंजल के काफ़ी सारे सीड्स हैं, ये भी 100 रुपीज़ के हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। मैं कभी भी कराची में मैं खुद होता हूं, और मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कराची में जो गार्डनिंग स्टोर्स है वहां से आप जाके लें, आपको थोड़ी सी कॉस्ट इसकी ज़्यादा लगेगी, बट सीड्स आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। उसके बाद खीरा है, इतने सारे सीड्स हैं, मैं इतने सारे सीड्स नहीं लगा सकूँगा। दरअसल इस बार इरादा है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ तो वहाँ पर सबके घरों के आगे ये वेजिटेबल्स ग्रो करनी है। उसके बाद ये तुरई है F1 वैरायटी, और फिर उसके बाद ये है स्क्वाश, इसके भी बहुत सारे सीड्स हैं। स्क्वाश ये अपने लिए एक तो ग्रो करनी है मुझे, और ब्रिंजल के तो बहुत ही सारे सीड्स हैं। ये लंबा वाला बैगन है, ये दो अपने लिए ग्रो करने हैं, इनको कुछ सीखना है। इन दोनों को कोकोपीट में ग्रो करूँगा, और खाद मिट्टी मिक्स दोनों में करूँगा, सीखना है कि कैसा तजर्बा है, क्या मुझे इसमें सीखने को मिलता है। तो ये स्पेसिफ़िकली मैं अपने लिए मैंने मंगवाए हैं, बाकी तो खैर जो मोहल्ले में मेरे लोग रहते हैं उनके घरों के आगे मैं लगाऊंगा, ताकि लोग गार्डनिंग की तरफ बढ़ें और लोगों में शौक़ पूरा हो। तो ये उस पर्पज़ के लिए मंगवाए हैं। तो ये सीड्स मुझे मिले हैं जो कि 500 रुपये के सीड्स हैं, और 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हैं पाकिस्तान पोस्ट से, और ये आई गेस मंडे या ट्यूज़डे को रवाना किए थे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को ये मुझे रिसीव हो गए। तो ये है आज का छोटा सा रिव्यू इन सीड्स का। मज़ीद इनकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ से एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो स्टोर है, ये आप लोग इनके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, महफूज सीड्स स्टोर। और ज़्यादातर वेजिटेबल्स के सीड्स में ये डील करते हैं, फ्लावर के सीड्स के बारे में आप इनसे पूछ लीजिएगा। इसमें इनका फ़ोन नंबर और सब कुछ मेंशन है, एड्रेस मेंशन है। तो बस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मज़ीद कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। ये सारे समर सीज़न के वेजिटेबल्स हैं, इनको मैं अभी से इनके सोइंग कर दूंगा, इनडोर लगाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं इनको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखूंगा जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ना ठंड लगे और ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ना इनकी सॉइल ड्राई हो वगैरह वगैरह। सीड्स लगाते वक्त मैं एक वीडियो बना लूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और फिर देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।